सूरजपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दौरे पर पहुंचे, जहां जमदई में आयोजित अखिल भारतीय बिंझिया समाज के महासम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां बिंझिया समाज समेत 12 समुदाय के मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर बिंझिया समाज के लोगों ने सीएम का आत्मीय स्वागत किया, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह ने महासम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 12 जनजाति समुदाय का मात्रात्मक त्रुटि के कारण संवैधानिक अधिकार से वंचित थे। इन 12 समुदाय के 25 लाख लोगों को आजादी दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 12 समुदाय के 25 लाख लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही चुनावी घोषणा पूरा करने का शुरुआत किया। 3,700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल मुख्यमंत्री ने घोषणा पूरा करने का काम किया है। सरगुजा का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। सरगुजा के 14 सीट देने पर मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा सम्मान दिया है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं। आप सभी का आभार जताते हैं। सरगुजा के 14 सीट भाजपा की झोली में डाल दिया, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भाजपा की सरकार बनते ही महज 25-26 दिनों में बेहद काम किया गया। कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, वहीं दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। धान खरीदी का वादा में अंतर की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि धैर्य रखने की थोड़ी जरूरत है। सूरतपुर से राकेश कुमार जायसवाल की News+21 के लिए रिपोर्ट। बिंझिया समाज का आज वार्षिक महासम्मेलन था, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को, हमको और हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी को, और तीनों हम लोग यहाँ पर आए। हम लोगों का सम्मान हुआ और बिंझिया जाति पहले अनुसूचित जनजाति में नहीं था, और इसलिए संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 जाति को, छत्तीसगढ़ के 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, और इसके बाद लाखों लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में 12 जाति के लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से उनका आने वाले समय में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होगा। तो विंध्या जाति के लोग आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए भी कार्यक्रम रखे हुए थे।